वहाँ से खाली किए थे तो यहाँ लाए थे, अब यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हैं। और थोड़ा ऊपर 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 करके सब चीज आ गया ना, हटाया नहीं, मैं सपनों के घर को अब सजा देना है। खत्म सब खत्म हो गया, पलंग का जितना भी था सामान सारा हम लोग लेके आ गए हैं, पूरा भर दिए हैं घर में। तो हमारा बेड पूरी तरह से रेडी हो गया है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज दोस्तों इस घर में सारा सामान हम लोग लेके आने वाले हैं, सारा छोड़ने वाले हैं दोस्तों, शिफ्ट होंगे हम लोग यहाँ। अब गुल्लू तो पहले आके शिफ्ट हो गया, लगा तो पंखा देख रहा है। अच्छा पंखा नहीं चल रहा था, तो सारा कुछ तो यहाँ पर प्रबंध हो गया दोस्तों। वहाँ भी मंदिर रखने के लिए नंदनी का बन गया, यहाँ किचन में सामान रखने के लिए बन गया, सारा कुछ तो किया हुआ है, बस ला के रखना है। और ये सब अलग अलग क्या करेगी नंदनी, क्योंकि निकालना होगा ना। अब तो मशीन अपने दोस्त को नहीं दिए, वो तो मेरा काम का है दोस्तों, क्योंकि अभी शिफ्ट करेगा तो कहाँ कुछ लगेगा तो काम में आ जाएगा। काट छाट करना पड़ेगा, छेदा उदा करना पड़ेगा, तो ड्रिल है कटर है, काम हो जाएगा। ऊपर रख देते हैं सब, ऊपर रखो लकड़ी रखे। अब पहले घर को साफ करना होगा दोस्तों, धूल साफ करने भी लग गया, तो धूल धूल भरा पड़ा है पूरा घर, पूरा गंदा है घर, साफ करना होगा पता है। झाड़ू मारना पोछा लगाना, झाड़ू पोछा जो मारो जल्दी से घर को साफ करना है दोस्तों। अब कुछ ही देर सारा सामान आएगा, पहले बेड लेके आएंगे, यहाँ पर बेड लगाएंगे अपना, क्योंकि बेड में बाकी जितना भी सामान है ना बाहर का सब उसका अंदर रख देंगे, तो क्या होगा कि थोड़ा खाली खाली लगेगा घर। तो हमारे पास तभी एक किचन एक रूम है, वहाँ तो दो रूम था एक किचन था दोस्तों, और स्पेस बहुत था, तो वहाँ पर तो हम लोग उनका सारा सामान आ जाता था ना नंदनी। इसमें सब एक एक जगह सोच समझ के रखना पड़ेगा जी। हमारे पास जगह तो उधर बहुत है, और बारिश होता है ना दोस्तों, देखते हैं शाम में बारिश होता है तो फिर खराब हो जाएगा सामान। तो यही रूम में हमें सारा को एडजस्ट करके रखना है बढ़िया से। तो चलिए अभी तो हम लोग पहले यहाँ साफ सफाई करेंगे, और धो पोछा जो भी करेगी नंदनी वह साफ कर लेते हैं इधर। नल तो पूरा प्रेशर में है, कैसे भराएगा, ऐसे भराएगा गुल्लू, हट जा हट जा हट जा, ऐसे भरेंगे, ऐसे करके भरना पड़ रहा है, पूरा प्रेशर है। अभी नल खुला है दोस्तों, ज़्यादा प्रेशर रहता है। ये गुल्लू पानी देख के बहुत खुश होता है, तब उसमें कूदेगा पता नहीं, देख ही रहा है, फिर अचानक जाके कूद जाएगा। ये नहीं नहीं ये नहीं बोले नहीं नहीं आ देंगे देंगे पानी देंगे, बहुत बदमाश है, पानी देखने के साथ ही इसका दिमाग में हुलचुल होने लगता है। जा पानी मिल गया, खुश, चलो 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 घर को धोना है दोस्तों। नो नंदनी पोछा लगाइए, ये अपना घर है दोस्तों, अब तो जब मन करेंगे तब पोछा लगाएंगे, अपना घर में शर्म क्या काम करने में। चलिए जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, हम लोग पोछा मार लेते हैं, नंदनी अपना काम कर रही, झाड़ू मार रही है, तो पूरा पोछा मार दिया, पूरा दोनों किचन और बेडरूम थोड़ा साफ हो गया, गुल्लू भी गंदा हो गया इधर। चले सारा काम हो गया, इधर भी झाड़ू मार के नंदनी पूरा साफ कर दिए, उसको हटा देता बाद में हटाएंगे। चलो इधर पूरा क्लियर हो गया, यह तो खुशे रहता है पानी के चक्कर में देखिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपना सामान लाने के लिए, सामान हटा रहे थे यहाँ पे ना, सांप था फिर से, सुबह से मैं सांप से परेशान है, अभी तो वहाँ छेदा में घुसा था सुबह में, अभी देखिए यहाँ आ गया है। कहाँ गाड़ी में ना घुस गया, नहीं पता दोस्तों यहीं पे देखिए ना कहाँ पे गया, कि जंगल में घुस गया जी वाला खसिया में। नहीं सांप से परेशान हो गए। अब गुल्लू कहाँ है पापा, गुल्लू को हटाओ, ये डर लगता है कि गाड़ी उड़ी में ना लटक गया। नहीं परेशान हो जाएगा सांप से, देख रहे किधर किधर खोज रहा से जी। इधर घुसा था वही पे देखे ना, ड्राइवर हटे ना कि ट्रेवल हटाइए ना, वो सब ये सब हाँ आराम से हटाइएगा, देखिएगा उससे नहीं है। यहीं पे देखे थे तो सामान हटा रहे थे ना, जैसे देखे उसी हम भागे। हाँ
इसको हटाइए, उसको वो वाला पाइप का अंदर देख रहा था, छेदा छेदा है उसमें ना घुस गया है। पता नहीं हम क्या आपका मजाक करेंगे, ये तो आरे हीरो है। हटो, चलो तो आगे सांप को देखते कि किधर गया है। दोस्तों ये जो पाइप दिख रहे हैं ना आपको, उसका नीचे में पूरा मिट्टी है, उधर पूरा कोना में एकदम कोना से अंदर लगा घुस गया था। अब पाइप को तो ना हम तोड़ सकते हैं, क्या करें, सांप से तो परेशान हो गया, इसके अंदर घुस गया, अब हम लोग क्या करें। आपको लग रहा हम झूठ बोलेंगे, बताइए। हम कब बोला कि तुम झूठ बोल गई, डेंजर है यहाँ पास, अब गुल्लू को नहीं रखेंगे, डर लग रहा है दोस्तों, बार बार हमारा नजर वही पाइप में घुसा है दोस्तों, और कहीं नहीं घुसा था, वहीं पास पाइप का अंदर मट्टी है, उधर पूरा जाम नहीं हुआ ना, तो पाइप के नीचे मट्टी रहेगा, तो उसके नीचे इतना सामान आज निकला कि कहीं भी घुसेगा तो पता नहीं, इसलिए तो हम लोग चलो आज ही निकल लेंगे। देखिए आज पूरा सामान तो कोशिश करेंगे पूरा शिफ्ट कर ले दोस्तों हम लोग, फ्रिज लेके चलिए, फ्रिज पहले जाएगा, हाँ तो फ्रिज जाएगा पहले, पलंग वो लेके डालेंगे कभी बोलते हैं, फ्रिज ठीक है, फ्रिज ले चलते हैं, फ्रिज ले जाके रख देंगे तो किसी को बुलाना पड़ेगा। बिना चले दोस्तों हम बुला के लेके आ गए भैया को, और भैया भी पकड़ के हेल्प करेंगे, हाँ इसी वहाँ से खाली किए थे तो यहाँ लाया था, अब यहाँ से वहाँ लेके जा रहे। तो फाइनली दोस्तों हमारा आ गया है, ये चौखट रख दीजिए इस पे, ये रख दीजिए नीचे, रख दीजिए ना नीचे लग ले। तो हमारा तो फ्रिज आ गया है, फ्रिज का जितना भी पार्ट पुर्जा है सब हम लेके आते हैं धीरे धीरे करके, जैसे पलंग हो गया और अनवारी हो गए, वो सब लाएंगे बड़ा बड़ा सामान, और बाकी छोटा मोटा सामान तो हम लेके आ ही जाएंगे। तीस पैंतीस पड़ा था मतलब हमारा वजन है ना भैया, पहले गोदरेज को लेके खाली, वो भी ढन ढन कर दिए खाली, खाली कर दिए, जगह से निकल जाएगा ये, मैं चप्पल दे दूँ नंदनी, चप्पल लीजिए, भारी भारी सामान है, गर्मी खाली तो सब है, क्या है कपड़ा उपड़ा कुछ नहीं है, रोक रोक के लेके जा रहे हैं दोस्तों। आशीष जी शाम में फिर ये वो सामान नहीं है ना, तो कैसे तीन चीज लाना है, उसके बाद पूरा डांस हो जाएगा, यही है भारी भारी ना, तीन को तो चीजें है, पहले तो अंदर घुस रहा है और थोड़ा ऊपर 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 करके ऊपर हो गया, आ गया दोस्तों गोदरेज, चलो फाइनली सब चीज आ गया ना, हटाया नहीं, हो गया ना गोदरेज भी आ गया हमारे, सिर कहाँ रखेंगे गोदरेज बताया नहीं, गोदरेज वहाँ रखेंगे अट जाएगा, नापी ले रहे वो तो वाल में से रहते हैं, फिर खोल नहीं पाएंगे ना पलंग, हाँ खुल जाएगा, आ जाएगा लगता है, नाप रे बित्ता से पूरा बराबर बैठेगा, बराबर बैठेगा, चलिए नीचे ना बोलते रहे, गुटका रख दीजिएगा नीचे, तो रख लिया दोस्तों यहाँ पास, फिर काम हो गया, चलते हैं बेड बनाने के लिए, बेड यहाँ लगाएंगे, फिर हमारा काम आधा हो जाएगा, मतलब भारी भारी काम जो है भारी सामान आ जाएगा, गोदरेज आ गया, फ्रिज आ गया, खाली पलंग का सिराना बचा है, बस वही भारी है, बाकी सब तो हल्का हल्का है। तो चलिए दोस्तों तो देख सकते हैं अब हमारा पलंग का आगे वाला जा रहा है दोस्तों सिराना, और आधा सामान हम भी ले के जाएंगे सब फ्रिज के वाला जो रखा जाएगा हमारा, ये देखिए चलिए लेके चलते हैं,
जा रहा है कि भारी है? भारी नहीं है, चलिए लेके जल्दी देख सकते हैं काय बैठ जाते हमें कोई महारानी आए जैसे कहलाते हैं। हाँ सुनिए बोल। कोई देखता तो बोलते कि महारानी है। हाँ चार देखे, हाँ चार देखे। मेरे बेटा तो सिर्फ कुछ काम नहीं था तो काम से इधर आता है। ऐसे मेरे लिए भी ऐसा पलंग बना देता है। अभी तो 40 से 50 हज़ार का मटेरियल लग जाएगा। अभी मटेरियल का दाम बढ़ गया। सामान ला देंगे या बना देगा? नहीं सामान बना देंगे, हाथ जी बना देंगे दोस्तों। अभी भाभी लगेगी ना। आपका बीवी से हम ज्यादा बूढ़ी दिख रहे हैं क्या? जब बूढ़ी कौन है? अनाचक देखे ना आपको, जैसे कौन है मजा कर रहे थे। अरे तो ऐसे नहीं देखे थे, चक्को आ रही है कोल लगी थे देख रहे और ना काला थोड़ी था बोलते तो आप काला थोड़ी थे। अरे उतने काला काला धूप में दिख रहा था ना निकालने जैसी देखे नीचे तो साफ भी है साफ गेट खोलेंगे। गुल्लू काफी खुश लग रहा है ना, अब वो नट कसेगा। मेन चीज आ गया, कूलर कब लाएंगे? और हम जा रहे हैं किचन का सामान डब्बा डुब्बी ला के फ्रिज व्रिज का सब सरिया के उसको सेट कर। चलिए हम उसको सारा सामान ले आए फ्रिज का। ये देखिए तो अब सामान तो ले आए, धीरे धीरे अब सेट करेंगे अपना घर का दोस्तों, अपना सपनों के घर को अब सजा देना है। क्या ये अच्छा से धीरे धीरे से आराम से बैठो ना तुम। वो था ये लगा था बीच में एक तो यहाँ था ना नंदिनी फ्रिज को अच्छा से पूरा एकदम जैसे था उसे कर दिए तो पूरा चमक गया हमारा फ्रिज। अभी चालू नहीं करेंगे लाइन क्योंकि कहने का ना का तो एक घंटा बाद चालू करना चाहिए पूरा जो उसका गैस है जो हिल जाता है ना दोस्तों, इसीलिए एक घंटा बाद चालू करें जो गैस एकदम स्थिर हो जाए मतलब रुक जाए तब आराम से एक घंटा बाद चालू करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये काम तो हो गया, अब चलते हैं बेड को पूरा सेट करने दोस्तों। बेड तो जरूरी है क्या? देख ही रहे कीड़ा मकोड़ा घूमते रहता है इधर साफ बिछा, इसीलिए बेड सेट भारी भारी सामान चल गया। अब देख ऐसा मेडल सब तो हम लेके चल जाएंगे, ऐसा तो बहुत हल्का हल्का है आराम से लेके जाएंगे। जल्दी आगे जल्दी जल्दी पहुँचाइए। मैं बस धूप बहुत हार्ड दोस्तों, हम सोचा धूप कम हो जाएगा पर कम हो ही नहीं रहा। धूप हमसे तो उठेगा नहीं जी। तुमको उठाना ही नहीं है, उठेगा क्या मतलब? धीरे धीरे तक तो जैसे था तुम अपना किचन का सामान ये सब देखो कपड़ा लत्ता ये सब ले चलो। पलंग लगा होगा तो उसके ऊपर जा जाके कपड़ा सब रखेंगे। ठीक है तो हम पलंग सेट कर देते हैं। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं। तो आते जी अब लेके जा रहे ना सब, अभी ले जाएंगे ना, अभी सारा ले जाएंगे दोस्तों। एक लेके गए हैं, एक बच्चा दो इधर तीन और एक नीचे में चार है दोस्तों। और ये सब छोटे छोटे पत्रा सब है ये सब भी ले जाना है। अब बाकी सामान हम जा रहे दोस्तों धीरे धीरे ये सब ले जाने, डब्बा डुब्बी रख जाके रख देंगे तुरंत तो होगा नहीं। आगे घर का भी पूरा एकदम पूरा कचरा हुआ है देखिए आगे ये सब जितना भी अलर बलर सब पलंग अगर जो मेरा सेट हो जाएगा तो पलंग के अंदर रख देंगे तो मेरा हल्का हो जाएगा। मौसम कैसा चेंज कर दिया, हमको लग रहा पानी उनी ना आई। अपने अपने मसाला का डब्बों पर लेके आ गए दोस्तों, यहाँ रखेंगे आगे सारा सामान। अब पलंग भी आ गया है, पलंग का सारा सामान ही देखिए। अभी और आशीष जी लाने गए, आशीष जी फिर लेके आ गए। हो गया अब खत्म खत्म सब खत्म हो गया पलंग का जितना भी था। बाप रे हालत खराब हो जा रहा है। गुल्लू? गुल्लू नहीं आया घर? नहीं आया, कहाँ गया वो? तो घर भेजे थे इधर। सारा सामान आ गया पलंग का, देख सकते हो सारा सामान लेके आ गए। सब पहले पलंग सेट होगा तब सारा सामान आएगा धीरे धीरे करके दोस्तों। हालत तो खराब हो गया कर करके मेरा, सब ढूंढो के पूरे सब उठा उठा के नंदिनी को, लेकिन नहीं करने दिए। आप लोग बोलते हैं कि नंदिनी को भारी सामान मत दीजिएगा उठाने, तो नहीं देते उठाने। चलिए अब इसको सेट करेंगे दोस्तों। हम नंदिनी पकड़ सकती है, उठा नहीं सकती, पकड़ेगी के लिए अभी चप्पलों को सटा दे इधर। हाँ
चलिए फूलों को इधर सटा देंगे तो जगह थोड़ा उधर ज्यादा हो जाएगा। फाइनली दोस्त हमारा बेड पूरी तरह से रेडी हो गया, देख सकते हैं। अब यहाँ पर आराम से सोए, कोई दिक्कत नहीं है। पंखा, बेड और घर तो दिख ही रहे दोस्तों क्या हुआ, इसीलिए हम इधर आ गए। हाँ वही जो बाहर बेड सही बेकार सामान सब इसमें डाल रहे थे, क्योंकि वहाँ पर दो रूम लिए थे तो एडजस्ट हो गया। अब नहीं होगा एडजस्ट, इतना बॉक्स में डालना होगा तो बॉक्स तो मेरा पूरा खाली था, कुछ नहीं डाल के बॉक्स तो नहीं। सामान सारा ही लेके आ गए हैं, पूरा भर दिए पूरा सामान लेके आ गए सब सामान का। आगे बॉक्स पुराना सभी को डालेंगे। चलिए तो सारा सामान तो हम लोग बॉक्स पलंग में रख दिए, पूरा भर दिए बॉक्स पलंग को। बाकी सब सामान तो गोदरेज का है, सब गोदरेज तो पूरा खाली है तो गोदरेज में भी रखना बाकी हमारा। इधर देखिए गुल्लू क्या नुकसान किया, सारा चूड़ी को इधर उधर फेंक दिया, इतना बदमाश है। चलिए तो काफी थक गई है नंदिनी भी आज ना। अब जा रहे आगे बिस्तर भी छाएंगे, उसके बाद जो काम होगा देखा जाएगा। तो फाइनली दोस्तों हमारा तो सारा काम इधर का हो गया, मतलब तो बेडरूम का काम तो पूरा कंप्लीट हो गया। क्या काफ़ी थक भी गए दोस्तों, करते करते हालत ख़राब हो गई हमारी, इसीलिए हम सोचे पहले बेड लगा लेते हैं, कम से कम आराम तो करेंगे ना, क्या नहीं उसको भूख लग गया। एक दिन में तो घर सेट होगा नहीं दोस्तों, दो तीन दिन लग ही जाएगा, नया घर है इसी टाइम लगेगा। तो चलिए ब्लॉग को हम लोग यही एंड करते हैं, चलते हैं दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए हमारे वीडियो में। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय बोलो नहीं।